नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली स्टार हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में वंदना को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं वंदना को मिले इस सम्मान से पूरे प्रदेश भर में खुशी की लहर है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में शनिवार का दिन देश के तमाम उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और साहसिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए खास रहा। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर कई खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इस बार उत्तराखंड के खाते में भी अर्जुन पुरस्कार आए हैं, जिसमें स्टार हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को हॉकी में शानदार खेल दिखाने पर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। बता दें कि वंदना ने 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जबकि 2017 के एशियाड में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाकर ऐसा कारनामा करने वाली वंदना एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी, जिसके बाद वंदना की उपलब्धियों पर हरिद्वार में वंदना का भव्य स्वागत हुआ था। साथ ही प्रदेश सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया था। इसके अलावा उन्हें 25 लाख का नकद पुरस्कार भी दिया गया था। वहीं अब राष्ट्रपति की ओर से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद उनके परिजनों और प्रशंसकों में बेहद खुशी जताई है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।